जैन साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क इंग्लिश का। ये सीरीज चल रहा है आर्मी क्लर्क कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। उसमें हम लोग अभी कर रहे हैं प्रोनाउन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउन में हमने ये दो पार्ट करवा दिया है। आज कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जूम ऐप में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। और ये क्लास जो आपका यूट्यूब पर भी होगा, और यूट्यूब पर जो देख रहे हैं और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, और या फिर मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर है 8210718211, ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। और क्लास ज्वाइन करना है तो, ठीक है। ये क्लास पेड है, मैं सभी से बता रहा हूँ, क्लास पेड है। और ये अभी आपका जो चल रहा है आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए खासतौर पर ये आपका क्लास चल रहा है अभी। तो इस क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं, आपका जो एक प्रोनाउन है पार्ट थ्री में, तीसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन है, और साथ साथ इसी में हम लोग करने वाले सीरीज में एंटोनिम्स करेंगे। जो एंटोनिम्स कितना होगा, तो 10 एंटोनिम्स होगा, ठीक है। तो आप करें, और जैसे ही क्लास मिलता है उसको क्लास को रिविजन जरूर करें। और क्लास का मैं आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, ठीक है, जो जो हमारे मेंबर हैं वो, ठीक है। और किसी को कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। चलो तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज का। और क्लास का स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, जितना पढ़े हैं उसको रिविजन जरूर कर लीजिए। देखिए, तो आज जो आपका नाउन है, दूसरा नाउन है जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले हमने करा था प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन करा था हमने, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग केस को हमने देखा था, बढ़िया से देखा था, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, क्या है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन को संकेत करने के लिए, संकेत इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए दिस है ना, दिस जब बोलते हैं ना, यह, ठीक है, यह, दैट, वह, हम लोग किसी ने किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को हम इंडिकेट करते हैं इस चीज से, ठीक है। इसलिए क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो सच यहाँ मैंने यूज किया, यहाँ पर सच का भी क्या होता है, सच का भी एक इंडिकेशन की तरह ही यूज किया जाता है ज्यादातर केसों में। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, सच को क्या बोलेंगे, हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। कभी कभी आप द सच भी देखेंगे, आप द सच भी देखेंगे, तो ये भी किस में आता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही आता है। तो देखेंगे इसको, आगे देखेंगे हम लोग उसी को। अगर दूसरी तरह से मैं बोलूं, अगर जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या इंगित या निर्देश के लिए किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग निकटता या दूरी दिखाने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर पूरा पूरा कर दिया गया, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु अगर निकट में रहता है, या कोई व्यक्ति निकट में रहता है या दूर में रहता है, तो उसे इंडिकेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ये प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आप देख लो, आप जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। देखो यहाँ बॉय को क्या इंडिकेट कर रहा है ना, यह एक लड़का है, इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर ना। तो क्या है, दिस इज अ बॉय, ठीक है, क्या है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। देखिए इस वाक्य में क्या दिखा रहा है, तो इसमें निकटता को दिखा रहा है ना, लेकिन दैट इज अ गर्ल यहाँ पर है, दैट इज अ गर्ल है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, यानी कि ये आपको दूर के कोई लड़की को दिखा रहा है कि वह एक लड़की है ना। तो आप देखो दिस डैट का यूज क्यों किया गया यहाँ पर, निकट और दूर के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दिस डैट यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ बुक, ये पास का कोई बुक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर दिस, ठीक है। आगे है दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स यानी कि वे किताबें हैं, यानी कि देखो अब दोज यहाँ पर यूज किया गया है, दोज किसे बोलेंगे हम लोग, देखो दीज और दोज, इधर यहाँ एक दिस है, एक दिस है और एक क्या है, दोज है। दिस मतलब पास वाले वस्तु को, अगर देखो एक है तो, और दीज किसे बोलेंगे, अगर दूर का कोई, अगर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु है तो दीज बोलेंगे, अगर दूर का कोई एक व्यक्ति है या वस्तु है तो दैट बोलेंगे, अगर दूर का एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु है तो क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या गया है, दोज भी क्या है, एक आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, यानी कि पास के बुक की किताबें का यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। देखो जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक
बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखो यहाँ पर दिस दैट दीज दोज है ना, इसके बाद कोई तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है ना, ये कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन अगर आ जाता है ना तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपका ये। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, देखो दोनों में अंतर क्या आपका है। अगर मान लो अगर दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई भी नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन है तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे आगे देख लो आप, जैसे दिस बुक इज न्यू। देखो दिस बुक इज न्यू है यहाँ पर ना, बुक क्या है यहाँ पर, ओके नाउन है यहाँ पर, बुक से पहले क्या आ गया, दिस आ गया ना, तो ये को दिस क्या कहलाएगा यहाँ पर, दिस कहलाएगा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में देखना आप, यहाँ पर क्या है, दिस इज बॉय, दिस इज अ बॉय। देखो दिस के बाद कोई नाउन नहीं है ना, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर दिस यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर है। दैट बुक इज ओल्ड, देखो बुक से पहले क्या दैट आ गया ना, तो दैट यहाँ पर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ हो गया। ठीक है, दीज ट्रीज आर हाई, देखो यहाँ पर ट्रीज यहाँ पर है ना, ट्रीज यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ट्रीज का यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसमें सिंगल और प्लूरल है। तो आगे भी इसी तरह से देख लो, दोज कॉज यहाँ पर होगा। ठीक है, दोज कॉज आर रेड, ठीक है, दोज कॉज आर रेड, दिस दीज कॉज, देखो यहाँ पर कॉज यहाँ होना चाहिए, मैं आपकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर, दीज कॉज आर ब्लैक, दैट कार इज हॉर्स, माफ कीजिए यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है मेरे अभी, दैट कार इज योर्स, दैट कार यहाँ कार यहाँ पर है ना, कार से पहले दैट का यूज किया गया, तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इससे पर क्लियर हो रहा है ना आपका ये चीज। आगे देखो इसमें अगर देखो दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं तो इसका समझ गया ना, अगर नाउन से पहले अगर कोई अगर दिस या दोज का प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर ऐसा नहीं हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी को आगे थोड़ा एक्सप्लेन में बता दिया गया यहाँ पर। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आपका नोट में बना लो आपके ये, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए होता है अर्थात नाउन के पहले नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे मान लो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई समवन एंड सम और समथिंग, दिस इज माय चेयर, देखो दिस के बाद कोई नाउन नहीं है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज पीटर्स हॉर्स, क्लियर हो रहा है ना ये आपका। दीज आर हर क्लोथ्स, दीज आर दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। ठीक है, ये आपके लिए उसी तरह से आप ये भी देख लेना आप। ठीक है, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, ये आप चारों देख लेना। ठीक है, एक क्लास अभी रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, अभी क्वेश्चन करने के लिए आपके पास है नहीं, तो आप मुझे कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना आप मुझे। ठीक है, चलो देखो आए क्या कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का पहले नाउन के पहले होता है। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, देखो क्या इसलिए क्यों किया जाता है यहाँ पर, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या, दिस है ना, यानी किस चेयर की बात कर रहा हूँ, तो इसी चेयर की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या, ये आपका नाउन को आपको क्लियर कर रहा है यहाँ पर, क्वालिफाई डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दैट कार इज एक्सपेंसिव, इस कार के बारे में, कौन से बारे में, उस कार के बारे में, ये यहाँ पर डैट का यूज किया गया यहाँ पर। दीज क्लोथ आर वेट, दीज क्लोथ आर वेट, ये क्लोथ क्या है, गीला है। ठीक है ना, समझ गया ना, दोज वर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, क्लियर। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, इसके कुछ रूल पाए जाते हैं। देख लो इसका रूल में पहला क्या कह रहा है, दिस का प्रयोग समीप के एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, लेकिन दीज का प्रयोग समीप के एक से अधिक व्यक्ति के लिए वस्तु के लिए होता है। यानी कि पास में कोई एक रहेगा, एक वस्तु या व्यक्ति रहेगा तो दिस यूज करेंगे, अगर पास में एक से अधिक अगर व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो उसे यहाँ पर दीज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे दिस इज अ बुक, दीज आर कैट, देखो यहाँ पर बुक क्या है, पास में है, इसका यूज किया गया यहाँ पर, यानी सिंगुलर में इसका यूज किया गया है और दीज का प्लूरल में इसका यूज किया गया, क्योंकि कैट्स यहाँ पर है और ये पास का एक से अधिक कैट्स है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से रूल नंबर दो क्या कह रहा है, दैट का प्रयोग दूर के एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है।
दैट का प्रयोग दूर के। अब देखो दैट का प्रयोग एक से अधिक, सॉरी माफ कीजिए, एक व्यक्ति के लिए जो दूर में रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। इसका हमने चर्चा करा है इससे पहले मैंने अभी, ठीक है, तभी इसको देख लिए, रूल की तरह समझ लीजिए इसको, ठीक है। दैट का प्रयोग दूर के एक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, लेकिन दोज का प्रयोग क्या होता है, दूर के वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, यानी कि दैट कौन सा चेयर, कहाँ पर, वहाँ चेयर है और एक चेयर है, इसलिए यहाँ पर दैट का मैंने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप भी करोगे। दोज आर कैट्स, देखो आपका तभी और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव बनाओ उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, उतना समझने के लिए कोई बात नहीं है इसमें है, तो आपका प्रैक्टिस जरूर करना आप, ठीक है। इसमें क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। दोज आर कैट्स, यहाँ पर देखो दूर का कैट्स है यहाँ पर, है एक से अधिक कैट है यहाँ पर, इसलिए दोज का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 3, तीसरा क्या कह रहा है, यदि एक समान वर्ग, समान वर्ग यानी कि सेम क्लास के दो नाउन की तुलना हो तो सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ तथा प्लुरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप ऐसे समझे कि सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अगर प्लुरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कब करेंगे, जब हम कोई चीज से कंपेयर करेंगे, जब हम कोई चीज से कंपेयर करेंगे, कंपेयर कब करेंगे, जब दो नाउन हो तब। अब वो दो नाउन क्या होना चाहिए, एक ही कैटेगरी में आना चाहिए। जैसे मान लो अगर सिटी है तो सिटी में ही आएगा, अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट में ही आएगा, अगर क्लोथ है तो क्लोथ में ही आएगा, तभी इसका ऐसा यूज करेंगे। दैट और दोज ऑफ, जो पास में रहता है रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो, सॉरी जो अगर सिंगुलर रहेगा तो दैट ऑफ यूज करेंगे, अगर प्लुरल रहेगा तो दोज ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। इसमें पास दूर की कोई बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल का समझो, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। देखो दैट ऑफ मुंबई, देखो मुंबई और पुणे से कंपेयर किया गया है, पुणे भी क्या एक सिटी है, मुंबई भी क्या एक सिटी है, ठीक है। क्लाइमेट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, देखो दैट ऑफ मतलब क्या हुआ, दैट ऑफ यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लाइमेट यानी क्लाइमेट यहाँ रिपीट होता है, ऐसे यूज करते हैं इसका। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई यहाँ यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन आप देखो नॉन को रिपीटेशन ना, नॉन को दोबारा अगर दोहराना चाहे, दोहराएंगे तो क्या उतना बजे बोलने में क्या होगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, तो दैट ऑफ का और माफ कीजिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम दैट ऑफ को हटा दें तब द क्लाइमेट मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चेक क्लियर हो रहा है ना आपका ये चीज, तो ठीक है। उसी तरह देखो आप, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। देखो द स्ट्रीट ऑफ, देखिए दिल्ली का स्ट्रीट कैसा है, तो मुंबई के स्ट्रीट से चौड़ा है, चौड़ाई ज्यादा है यहाँ पर है। कंपेयर किया जा रहा है कहाँ पर, दिल्ली और मुंबई में कंपेयर किया जा रहा है, दोनों क्या एक सिटी ही है यहाँ पर, ठीक है, यानी सेम क्लास में आता है यहाँ पर, ठीक है। तभी हम इसका यूज ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पर दोज ऑफ का यूज क्यों किया गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्योंकि द स्ट्रीट्स है ना, मतलब क्या सड़कें हैं ना यहाँ पर, एक से अधिक है यहाँ पर, इसलिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो दोज ऑफ का यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है आपका ना। उसी तरह से देखो आप आगे, द रिवर ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। देखो अमेरिका और यूरोप क्या है, एक आपका क्या है, सेम क्लास में आता है यहाँ पर, लेकिन अगर रिवर यहाँ होगा तो यहाँ पर रिवर्स के बदले में यहाँ पर दोज ऑफ का यूज किया गया, यानी कि द रिवर्स यहाँ भी होना चाहिए था यहाँ पर रिपीटेशन को रोकने के लिए, यहाँ पर दोज ऑफ का यूज किया गया यहाँ पर, और ये प्लूरल है, ठीक है। क्लियर हुआ ना आपका ये चीज। अब आगे देख लो, आगे इसमें है रूल नंबर 4 में दिया गया है कि सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सिंगुलर, माफ कीजिए आप कुछ नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होता है। देखो सच का प्रयोग कहाँ करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका यूज करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ही इज द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। देखो यहाँ पर He is the house owner as such। देखो यहाँ पर रिपीटेशन भी यहाँ समझ लो, रिपीटेशन को रोकने के लिए भी यहाँ सच का यूज किया जाता है, इस तरह से का भी यूज समझ लो यहाँ पर। देखो सच मतलब क्या गया गया, सच ही हैज मतलब कि वो ओनर है यहाँ पर, है हाउस का ओनर यहाँ पर है, इसलिए क्या यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर, द हाउस ओनर ही इज द हाउस ओनर, यानी इसको देखो सच के बदले में क्या यूज करेंगे, द हाउस ओनर यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो कैसे आप इसको पर को देख ले एक बार, ही इज द हाउस ओनर एंड एज द हाउस ओनर ही हैज द राइट टू, हाउस ओनर के होने के नाते क्या उसे इतना अधिकार है कि हाउस को वो मेंटेन कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो रोकने के लिए यहाँ पर सच का यूज किया गया यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका सच भी होता है।
ठीक है। और देखो 10 10 भी होता है, मैं इसको आप एग्जांपल से आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो जैसे मान लो नोट में क्या कह रहा है, सच का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, सेम एज दिस दैट दिस दोज की तरह यहाँ यूज किया गया। अगर कोई नाउन से पहले सच का यूज कर दिया गया तो सच क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो नो बडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच ए मिस्टेक, देखो नो बडी कोई भी आपको इस मिस्टेक के लिए फॉरगिव माफ नहीं करेगा, यहाँ पर कर सकता है यहाँ पर, नो बडी कैन फॉरगिव यू, नो बडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच ए मिस्टेक। सच मिस्टेक मतलब कौन सा, ऐसा मिस्टेक, इस तरह के मिस्टेक, दिस मिस्टेक का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिस डैट के बदले में यहाँ पर सच का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या कर लेगा, मिस्टेक यहाँ पर नॉन है यहाँ पर ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या सच का यूज किया गया यहाँ पर, सच यहाँ पर क्या है तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर बताना सर, क्लियर अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर आप जो मेरे मेंबर है 8210718211 पे मुझे आप कांटेक्ट जरूर करना आप, ठीक है, व्हाट्सएप जरूर करना है मुझे। कभी कभी मेरा नंबर ऑफ होता है, कुछ पर्सनल रीजन है इसलिए, तो व्हाट्सएप जरूर करना, व्हाट्सएप में जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आए क्या है यहाँ पर, तो व्हाट्सएप करने से पहले अगर जो मेंबर नहीं है तो मुझे अपना नेम और सिटी मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। चलो अब इसमें नोट 2 में देख लो क्या कह रहा है, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ के पहले दिस दैट तथा सॉर्ट्स ऑफ तथा काइंड ऑफ के पहले दिस दीज एंड दोज का प्रयोग होता है। देखो जहां कहीं भी देखोगे आप सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ देखोगे ना, तो उससे पहले क्या रहता है, दिस दैट रहता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर काइंड्स और सॉर्ट्स रहेगा, सॉर्ट्स ऑफ या काइंड्स ऑफ रहेगा, तो वहां पर उससे पहले क्या रहेगा, दिस दोज का प्रयोग होता है। जैसे दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, देखो यहाँ काइंड यूज किया गया यहाँ पर, यानी इस तरह के पेन क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, यानी दिस का प्रयोग किया गया यहाँ पर ना, ठीक है। देखो दो सॉर्ट ऑफ पीपुल आर लेबोरियस, क्या है उस तरह के जो लोग होते हैं ना, क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। देखो सॉर्ट्स यहाँ पर सॉर्ट्स ऑफ यूज किया यहाँ पर प्लूरल सेंस में, इसलिए यहाँ पर दोज का प्रयोग किया गया यहाँ पर। उस तरह से काइंड ऑफ है तो यहाँ पर दीज का प्रयोग किया है, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। देखो उसी तरह से दैट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज हेडफुल, कहाँ गया है पेन, पेन कहाँ गया, चलो देखो क्या है, That sort of man is helpful. देखो यहाँ पर man का यूज किया गया यहाँ पर, आपके sort of यहाँ पर है ना, तो that का यूज किया गया यहाँ पर, यानी कि देखो यानी कि sort जहाँ पर sort of रहेगा उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, तो this या फिर that का यूज करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर sorts of रहेगा, जहाँ पर sorts of रहेगा उससे पहले क्या यूज करेंगे, these या फिर those का हम लोग यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि plural समझ लो, सिंगुलर प्लूरल के सेंस में इसका ये समझ लो आप, ठीक है। आपका ये था, और आगे देखिए, आगे इस पर कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे आंसर जरूर करना, ठीक है। जैसे कि देख लो अब, चलो अब इस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इसमें, जैसे लिखा रहेगा आप फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोंस्ट्रेटिव नाउन, ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव इसका यूज देगा या फिर आपको क्लियर नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है, जो भी आप वर्ड यहाँ फिल कर रहे हैं वहाँ पर फिलअप करना। देखो जैसे क्या पहला क्या दिया गया यहाँ पर, तो दिस माफ कीजिए इस यहाँ ब्लैंक यहाँ पर है, इज माई फेवरेट बुक, तो क्या यहाँ पर दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा, दोज होगा, यहाँ पर देखो दिस भी यहाँ यूज कर सकते हो इसमें आप, और दैट भी यहाँ यूज कर सकते हो, क्या इज है ना यहाँ पर, क्या है यह बुक या फिर वह बुक मेरा फेवरेट बुक है, इसे यहाँ पर दो आपका आंसर दोनों हो सकता है यहाँ पर। वैसे एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम ऐसा नहीं होता है, लेकिन तभी मैंने यहाँ बता दिया आपको दिस या दैट दोनों का यूज हो सकता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इज अ पेंसिल एंड आर पेंस, यहाँ पर कौन सा यूज होगा, पर देख लें यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिस माफ कीजिए, देखिए इज यहाँ पर है, इज ए यहाँ पर है ना, एक पेंसिल यहाँ पर है, तो कोई ना कोई सिंगुलर भी आएगा यहाँ पर, दिस आएगा या फिर दैट आएगा, क्या आएगा, दिस या फिर डैट आएगा यहाँ पर। देखो दिस दैट यहाँ पर दैट यहाँ पर है, तीनों में से कोई यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, तो आगे आते हैं, पहला तो सी तो होगा नहीं क्योंकि दिस दिया गया, तो दिस यहाँ फिलअप होगा नहीं यहाँ पर। उस तरह से देखें यहाँ पर, यहाँ पर आए क्या है, आर पेंस, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर दी जाएगा या फिर दो जाएगा, यानी कि पहला में दिस दैट आएगा, दोनों से कोई आ सकता है, लेकिन दूसरा में क्या आएगा, दी जाएगा या फिर दो जाएगा, दी जाएगा या फिर दो जाएगा, क्या आएगा, दी जाएगा या फिर दो जाएगा,
ठीक है। देखो यहाँ पर दिस और दैट यूज कर दिया, दैट तो यहाँ आएगा नहीं इसलिए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो दैट यूज किया गया, दिस यूज किया गया, आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो तीसरा दैट और दिस होगा नहीं, यहाँ पर दिस यहाँ आएगा नहीं, दिस या दो जाना चाहिए था, उस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर चार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन को यहाँ पर आप मुझे फिलअप करके मुझे बताना, और अभी इसमें अगले पेज में इसका आंसर है, ठीक है। तो अब मैं अगले कुछ बताऊं, इससे पहले आप आंसर करना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और पहले आंसर करना, फिर अगले जो कुछ मिनट है यहाँ पर उसमें आपका आंसर मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन अभी आप आगे मत पढ़ना, अभी वीडियो को पॉज करो, अभी आप पहले आंसर करो इसका, ठीक है, फिर आप आगे देखना आप, ठीक है। चलो अभी जो पॉज आपका हो चुका है, मैं जानता हूँ, अब आगे आते हैं, ठीक है। चलो इसमें डाउट रह जाता मुझे करना, आंसर इसका ये रहा, देखो आंसर इसका ये है, ठीक है। तो आंसर से आप उसको चेक कर लेना आप, ठीक है। अगर इस आंसर में डॉट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो ये आपका था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, इतना था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जब प्रोनाउन आपका खत्म हो जाएगा तब।